प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अंतर्जालीय माध्यमेन एशोचेम इति भारतीय वाणिज्योद्योग मंडलस्य स्थापना सप्ताह कार्यक्रमे मुख्य भाषण प्रदास्यति। श्री रतन टाटा महोदय एशोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इति उद्यम पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। कृषक महासम्मेलने 50 लक्षाधिकान् कृषकान् अंतर्जाल माध्यमेन संबोधयन् प्रधानमंत्री सद्यः प्रवर्तित कृषि परिष्कार विषयेषु कृषकाणां चिन्ताः अपाकरणस्य आश्वासनं प्रदत्तवान्। अमुना सबलं व्याहृतं यत् प्रशासनेन विहितेषु परिष्कारेषु अविश्वासस्य नास्ति किमपि कारणम्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य प्रभृति द्विदिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रायां वर्तते। अस्मिन् प्रसंगे असौ कोलकातां संप्राप्तोस्ति। यात्रावसरे असौ नैकेषु कार्यक्रमेषु भजिष्यति भागम्। केन्द्रशासित प्रदेशे जम्मू कश्मीरे अद्य जनपद विकास परिषदां निर्वाचनानां अष्टमान्तिम चाक्रिकं मतदानं प्रचलति। मतदानस्य अष्टमे चक्रे 28 आसनेषु मतदान योजनं भविष्यति। देशे कोरोना संक्रमणानां स्वस्थता प्रतिशतता संवर्ध्य 95.40% वर्तते। स्वस्थता प्रकरणे विश्वन्नपि विश्वे भारतस्य प्रदर्शनं सर्वश्रेष्ठम्। एडिलेड क्रिकेट निकष स्पर्धायाः तृतीयं दिनम् अद्य। भारतेन प्रथमपर्याये द्विषष्टिधावनांकैः अग्रत्वम् अस्ति अधिगतम्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अंतर्जालीय माध्यमेन एसोचेम इति भारतीय वाणिज्योद्योग मंडलस्य स्थापना सप्ताह कार्यक्रमे मुख्य भाषणं प्रदास्यति। असौ श्री रतन टाटा महोदयाय शताब्दस्य एसोचेम इति भारतीय वाणिज्योद्योग मंडलस्य एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इति उद्यम पुरस्कारमपि प्रदास्यति। श्री रतन टाटा वर्यः टाटा समूह पक्षतः पुरस्कारमिमं स्वीकरिष्यति। सप्ताहव्याप्यस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य नैके उद्योगपतयः भागं भजन्तः सन्ति। कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमरः, वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलश्चापि कार्यक्रमम् इमं संबोधयिष्यतः इति सूच्यते। मध्यप्रदेशे रायसेन मध्ये समायोजिते कृषक महासम्मेलने 50 लक्षाधिकान् कृषकान् अन्तर्जालमाध्यमेन सम्बोधयन् प्रधानमंत्री सद्यः प्रवर्तित कृषि परिष्कार विषयेषु कृषकाणां चिन्ताः अपाकरणस्य आश्वासनं प्रदत्तवान्। अमुना सबलं व्याहृतं यत् प्रशासनेन विहितेषु परिष्कारेषु अविश्वासस्य नास्ति किमपि कारणम्। मृषातथ्यानां स्थानं न भवेत् अत्र विरोधाचरणे। अमुना जनाः प्रोक्ताः यद् यदि प्रशासनस्य समीहा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाल्याः समापनस्य अभविष्यत् तर्हि तेन कथं स्वामिनाथन आयोगस्य संस्तुतयः प्रवर्तिता स्युः। श्रीमोदी विपक्षदलेषु कृषकान् आश्रित्य राजनीति आचरणस्य आरोपान् आरोपितवान्। अमुना इदमपि भणितं यत् NDA इति संयुतेः प्रशासनं कृषकहिताय तेषां विकासाय च पूर्णतोदृशा समर्पितम् अस्ति। नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है। इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। आप मुझे बताइए, देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ, ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर
बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। असौ समाश्वासितवान् यत् प्रशासनस्य सदिच्छा मातुः गंगायाः नर्मदायाश्च जलमिव पवित्रास्ति। प्रधानमंत्री इदमपि आश्वासितवान् यत् यदि कृषकाणां मानसेषु अधुनापि आशंकाः शिष्यन्ते चेत् ताश्चापि दूरीकरिष्यन्ते। एतदर्थं प्रशासनं सर्वदा समुद्यतम् अस्ति। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। कृषक महासम्मेलने मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 70 कोटि रूप्यक मूल्यमितादपि अधिक मूल्यानां कृषि संबद्ध आधारिक निर्माण परियोजनाः समुद्घाटयत्। अमुना 2,000 मितेभ्यः मत्स्यपालकेभ्यः पशुपालकेभ्यश्च कृषक क्रेडिट कार्ड इति पत्राणि वितरितानि। तत्रैव अपरे पक्षे प्रशासनस्य मन्त्रिणः प्रत्येकेषु स्तरेषु कृषिपरिष्कार विधि विषये प्रख्यापित भ्रमस्य अपाकरणाय कृषकाणां मध्ये गच्छन्तो वर्तन्ते। अस्मिन्नेव प्रसंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यह मेरठे कृषक सभां समबोधयत्। अस्यां सभायां गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपतादि क्षेत्राणां कृषकाः सम्मिलिताः अभूवन्। ईरानी प्रावोचत् यत् नूतन कृषि विधिना कृषकाणां हितं भविष्यति, परन्तु केचन नेतारः अस्मिन् विषये अपलापं कृत्वा जनेषु भ्रान्तिं प्रचारयन्तो वर्तन्ते। जो कर्ज तले दबे जा रहे थे उनको नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से न सिर्फ कर्जा माफ किया गया बल्कि देश के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया, 10 साल का 60,000 रुपया देने वाला अगर कोई नेता इस देश में आया तो नरेंद्र मोदी आया। आज किसान भाइयों से कहना चाहती हूं, इस 1.5 वर्ष में 14 करोड़ देश के किसानों को 93,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने बैंक के खाते में पहुंचाया तो मोदी ने पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी या सपा ने नहीं पहुंचाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अद्य प्रभृति द्विदिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रायां वर्तते। अस्मिन् प्रसंगे असौ कोलकातां संप्राप्तोस्ति। यात्रावसरे असौ नैकेषु कार्यक्रमेषु भागं भजिष्यति। सहैव राज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनानां विषयेषु कार्यनीतिकोपवेशनानि करिष्यति। राज्ये सद्यः सम्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमान् निध्याय अमित शाहस्य इयं यात्रा अतिशय महत्वपूर्णा आमान्यते। केंद्र शासित प्रदेशे जम्मू कश्मीरे अद्य जनपद विकास परिषदां निर्वाचनानां अष्टमान्तिमं चाक्रिकं मतदानं प्रचलति। अनेन साकमेव कतिपय पंचायतानां उपनिर्वाचनानापि आयोज्यन्ते। मतदानस्य अष्टमे चक्रे 28 आसनेषु मतदानायोजनं भविष्यति, येषु 15 आसनानि जम्मू प्रखण्डे, 13 आसनानि च कश्मीर प्रखण्डे वर्तन्ते। एतेषु आसनेषु 68+1% प्रत्याशिनः निर्वाचन प्रांगणे वर्तन्ते। आहत्य 44.6 लक्षमिताः मतदातारः निज लोकतांत्रिकाधिकारस्य उपयोगं करिष्यन्ति। मतदातृणां सुविधार्थं 3+1,000 मितानि मतदानकेन्द्राणि सन्ति रचितानि। देशे कोरोना संक्रमणानां स्वस्थता प्रतिशतता संवर्ध्य 95.40% वर्तते। अद्यावधि संक्रमणग्रस्तानां संख्या आहत्य 20,095,000 लक्षमिता संवृत्ता। तत्रैव भारते साम्प्रतं सक्रियप्रकरणानां संख्या
एकत्रिंशदुत्तर अष्टशतोत्तर त्रयोदश सहस्रोत्तर त्रिलक्षमिता विद्यते। विगते रात्रिंदिवे सप्ताशीत्युत्तर एकत्रिंशत् सहस्रं संक्रमिताः चिकित्सावकाशं गताः। भारतम् ऑस्ट्रेलियां चान्तरा एडिलेड क्रीडांगणे क्रीड्यमानायाः क्रिकेट निकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसस्य क्रीडावसानं यावत् भारतेन एकक्रीडकस्य हानिः पुरस्सरं नवधावनांकाः समर्जिताः। भारतेन प्रथमपर्याये द्विषष्टिधावनांकैः अग्रत्वम् अधिगतम्। अस्मात् पूर्वं ऑस्ट्रेलियायाः प्रथमपर्यायः एकनवत्यधिक एकशतं धावनांकेषु समाप्तः। भारतीयदलस्य सर्वश्रेष्ठः कन्दुकक्षेपकः आर् अश्विनः आसीत्, येन अष्टादश कन्दुकक्षेपचक्रेषु पञ्चपञ्चाशत् धावनांकान् प्रदाय चतुर्क्रीडकाः क्रीडातः विश्रान्तिं प्रापिताः। तत्रैव उमेशयादवेन क्रीडकत्रयं क्रीडातः विश्रान्तिं प्रापितम्। ऑस्ट्रेलियापक्षतः दलनायकेन टिम् पेनेन सर्वाधिकाः त्रिसप्ततिः धावनांकाः समर्जिताः। प्रियप्रेक्षकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं षड्वादने डीडी न्यूज वाहिन्या भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः सार्धैकादशवादने भविष्यति। वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणसमयम् अभिज्ञातुं डीडी न्यूज संस्कृत इत्यस्य ट्विटर फेसबुक इति सामाजिक संचारपटलं नुदन्तु। This victory of 1971 was the catharsis that we can really talk about of the youth of India, that un logo ko motivate hona chahiye to join the armed forces. December masikah shodasho dinankah pratyekam api bharatiyam karoti garvanvitam. यक चतुर नार कर के सिंगार, यक चतुर नार कर के सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ए ए ए। वार्ता संस्करणम् एतत् संपद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मंगलम्।